गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और अभी मैं रेडी हो गया हूँ। एक्चुअली हमारा इनविटेशन है एब्सोल्यूट बारबेक्यू की तरफ से। हाँ जी, तो एब्सोल्यूट बारबेक्यू का न्यू ब्रांच ओपन हुआ है जो कि पार्क स्ट्रीट में। अभी कुछ दिन पहले इनका जो न्यू ब्रांच है वो अवनी मॉल में खुला था, हावड़ा अवनी मॉल, और अभी वापस से ये लोग पार्क स्ट्रीट में भी आ गए। फिलहाल मैं तो रेडी हो गया हूँ, तो चलते हैं। चलो चलो चलो। फिलहाल सारा दिन मुझे हेलमेट सेटअप में लग गया। हाँ जी, मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। भाई साहब, वो जितना इजी दिखता उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। जैसा तैसा करके सब कुछ अभी मैनेज हुआ है। मैंने जो अपने हेलमेट का सेटअप किया है वो मैं ट्राई करूंगा कल या परसों रोड पे जाके आपको मतलब उसका क्वालिटी दिखाऊं, और वो किस टाइप का मोटो व्लॉग बन रहा है वो तो उसी टाइम पता चलेगा। फिलहाल अभी हम लोग जाते हैं। मैंने एब्सोल्यूट बारबेक्यू में बहुत बार वीडियो बना रखा है तो उतना डिटेल में तो ऐसा कुछ इसमें दिखने नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ नया आउटलेट है, देखना बनता है कि किस टाइप का है। ये लोकेशन तो काफी बढ़िया है, मैं बता दूंगा वीडियो में, और फिलहाल कुछ नया आया है कि नहीं वो भी देखते हैं। चलो जल्दी से निकलते हैं। अभी आप देखो कोई भी ग्रुप प्लान बनाता है ना, कहाँ जा रहे हो? एब्सोल्यूट बारबेक्यू, क्योंकि उनके पास इतना सारा ऑप्शन है ना। कोलकाता एबिस में था ही नहीं, अभी देखो एबिस का पूरा चार जगह में लास्ट वन ईयर में ये चारों और एबिस अच्छा क्वालिटी दोगे क्वांटिटी दोगे तो भाई आदमी आएगा। फिलहाल देख लो ये सारा सेटअप का, वो आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देख लिया होगा। अभी भागते हैं जल्दी से। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और कोलकाता पहुंच भी चुके हैं। हावड़ा में मैंने नहीं दिखाया क्योंकि भाई साहब अभी जो हमारे हावड़ा में ट्रैफिक है, भगते भगाते हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी बस हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच ही गए। 8 बजे का हम लोगों ने टाइम दिया था, अभी 8:10 हो रहा है क्योंकि हम लोग टाइम का एकदम पंक्चुअल नहीं है भाई। वो भी फ्री का खाना मिलेगा, इनविटेशन मिलेगा, वो भी ऐसा वैसा नहीं, एब्सोल्यूट बारबेक्यू की तरफ से तो टाइम पे तो जाना ही पड़ेगा। और बाय द वे उसका जो लोकेशन है ना, जो पार्क स्ट्रीट वाला जो आउटलेट है एकदम सामने है। पार्क स्ट्रीट में डोमिनोज है ना, द पार्क होटल के जस्ट अपोजिट में ही देख लो, ये रहा एब्सोल्यूट बारबेक्यू। डोमिनोज के जस्ट ऊपर है देख लो, राइट साइड में यहाँ पे 10 रुपए करके घंटा है। हमने अपना बाइक जस्ट इधर रखा है खुलने के लिए, खुला। चलो बस वह सामने ही है एब्सोल्यूट बारबेक्यू। स्कूटी वगैरह पार्क कर दिया हम लोगों ने, बस जाते हैं ऊपर। ये देख लो ये रहा डोमिनोज, डोमिनोज के जस्ट ऊपर में ही है। नहीं मैं बोल रहा था डोमिनोज के अंदर से जाना है क्या? ये देख लो एबीस का गेट भाई साहब। देख लो ये पार्क स्ट्रीट का एब्सोल्यूट बारबेक्यू। एब्सोल्यूट बारबेक्यू का एम्बियंस का बात ही अलग है। चलो हम लोग को साइड वाला सीट मिला, मस्त व्यू वाला सीट मिला है, पार्क स्ट्रीट रोड दिख रहा है यहाँ से। हाँ जी, तो अभी मैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू के अंदर आकर बैठ गया हूँ सीट पे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं इतना सारा एब्सोल्यूट बारबेक्यू कोलकाता में गया, मेरे को सबसे बेस्ट लोकेशन इसका लगा। हाँ, ये एक नंबर लोकेशन, ये जो लोकेशन है हम लोग के लिए तो सबसे बेस्ट है। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों मिक्स करके देने बोला है, ताकि वेज में क्या क्या ऑप्शन है और नॉन वेज में क्या क्या ऑप्शन है मैं दोनों ही आपको दिखा दूँ। लेकिन तुम्हारा एबीस का एक चीज देखे, एबीस में लोकेशन बहुत खतरनाक खतरनाक चीज का था। सबसे पहले आया सेक्टर 5, उसके बाद आया रूबी, उसके बाद आया अपनी मॉल, उसके बाद आया बागुई हटी। बस स्टार्ट हो गया, ये अभी तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। ये सब चीज हेवन है, ये सब हम ही खाएंगे, ये हेवन है। लेकिन वो मटन कोसा तो ये सब तो आपको पता ही होगा अगर आप एबीस में आए हो या फिर इससे पहले आप किसी भी जगह गए हो। पहले आपका ऐसे ही स्टार्टर सब आता है, अभी कैजुन स्पाइस पोटैटो आ गया, ये वेज कबाब है, साथ ही मेरी मम्मी का फेवरेट क्रिस्पी कॉर्न है। बहुत दिन बाद आ रहा है ना, तो ये सब पुराना यहाँ ताज़ा हो गया। वाकई में यार ये जो क्रिस्पी कॉर्न है ना, ये उसमें नहीं था, अपनी मॉल में नहीं था। ये वाला कटलेट अपनी मॉल में नहीं था। अभी तक ये जो तीनों स्टार्टर्स मिला है ना, तीनों ही कमाल गया है। बाकी ये सब तो रियल आइटम सब आया हुआ है। कबाब अभी तक हम लोगों ने ट्राई नहीं करा है, ये नॉनवेज वाला सारा आ गया। वेज तो यहाँ देखकर गए थे, नॉनवेज का भी सारा प्रॉन्स फिश चिकन सब कुछ आ गया है। जो प्लेट में इन लोगों ने सर्व करा है ना भाई, मतलब एक नंबर। वेज कबाब आपने ट्राई किया पपेदा? वेज कबाब वो एक नंबर, बहुत अच्छा। और अभी जो मटन, ये ये मेरे को कमाल का लगा यार, मस्त। अभी तक जितना भी मैंने एब्सोल्यूट बारबेक्यू में खाया हुआ है अभी तक का सबसे बेस्ट। और ये देख लो अभी लेग पीस भी आ चुका है, क्या है तंदूरी लेग पीस, लेग पीस ये हो जाए।
थैंक यू। स्टार्टर्स खाकर कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, लेकिन स्टार्टर खा के पेट भरे मेन कोर्स में तो जाना ही नहीं पड़ेगा, बस हो गया। अभी तो हमारा स्टार्टर्स वैसे चले ही जा रहा है, थोड़ा सा घूमकर दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज का काउंटर है। हम लोग तो एकदम साइड में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आइसक्रीम काउंटर, ये पूरा आइसक्रीम एंड डेजर्ट काउंटर है। यहाँ पे पेस्ट्रीज एंड कट फ्रूट सब रखा हुआ है, और ये इनका ड्रिंक काउंटर है। अल्कोहल नहीं मिलेगा, नॉन अल्कोहल ड्रिंक सारा मिलेगा, मॉकटेल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। पूछना पड़ेगा, पापा तो इतना नया है, लेकिन फिर भी क्राउड देखो खाली था। लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। मेन कोर्स काउंटर छोटा नहीं लग रहा? थोड़ा नहीं, बहुत छोटा है। ये इनका बुफे काउंटर है, ये वेज, इधर नॉन वेज। वेज में क्या क्या है? राइस है, स्पेशल दाल है, और आलू झींगा पोस्तो है। पोस्तो हम लोग जो आलू झींगा पोस्तो कहे तो वही है। ये पोस्तो दे रहे हैं मतलब बुफे में भाई, पोस्तो का रेट पता है? ये दाल तड़का साथ में छेनार कोफ्ता। अच्छा ये क्या मतलब स्टेट वाइज चेंज होता रहेगा? हाँ हाँ हाँ, हर जगह अपना। अच्छा मान लो ये झारखंड में है तो सारा खाना नॉर्थ इंडियन रहेगा, झारखंड का एक आइटम ऐड कर देगा। अच्छा तो ये कढ़ाई पनीर मंचूरियन एंड बटर गार्लिक नूडल्स, ये वेज बिरयानी, इधर दही बड़ा, ये सारा सैलेड काउंटर है, पिकल मेयोनेज सब कुछ है। ये लग रहा हम लोग अच्छी है। अरे ये तो यही तो हम लोग पुलाव, ये बटर चिकन है, ये रोई माछेट छोल, ये मिक्स फ्राइड राइस, चिली चिकन विद बोन, चिंगड़ी मलाई करी थी। चिंगड़ी मलाई करी बुफे में आप भाई, इसके लिए आप एक थम्स अप। पता नहीं क्यों छोटा लग रहा है, लेकिन आइटम तो सभी कुछ है। एक्चुअली वहाँ पे क्या है, ये दो दो पोर्शन में दे दिया था ना। हाँ। ये यहाँ पे तीन तीन में है, देखो तीन तीन में है। और यहाँ पे देख लो, ये इनका लाइव काउंटर है, रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, और भी पता नहीं क्या क्या हो, मटन कसा, अच्छा हंडी मटन और चिकन बिरयानी। अच्छा बिरयानी इधर है, उधर है। हाँ थोड़ा सा हेर फेर हो गया, हेर फेर हो गया। तो ये सी फूड काउंटर है इनका, ये देखो ना कितना सारा मीट है, देखो रैबिट मीट मिल जाएगा आपको, क्वेल मिल जाएगा, पिकिंग डक मिल जाएगा, ऑक्टोपस का भी ऑप्शन है। यहाँ पे चिकन की मपाव है, मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन, तुम जो मुंह से बोल दो मेरे को ये चाहिए। नहीं अगर होता है ना किसी से पूछो क्या खाना बताओ, अगर वो नॉर्थ इंडियन बोल दिया या फिर इटालियन बोल दिया या फिर चाट आइटम बोल दिया, आप एब्सोल्यूट बारबेक्यू लेके आ जाओ, आपको सब मिल जाएगा। देख लो भाई पूरा ऑप्शन ही ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ तक कि पानी पूरी का भी ऑप्शन है, चाट वाट का भी ऑप्शन होगा। लेकिन वो एक तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बिरयानी को वहाँ रखना चाहिए, वो उधर। देख लो ये मटन कोशा साथ में चिकन बिरयानी, बाकी बहुत कुछ है। चलो अपने टेबल पे चलते हैं, कुछ लेकर आएंगे तब दिखाएंगे। तो देख लो ये मेरा मेन कोर्स, भैया ने पूरा एकदम भर कर दे दिया, हार छड़ा था, हार छड़ा। भाई तो हम लोगों ने शार्क स्टिक भी लिया है, वो रेडी हो रहा है हमारा। मैक्सिकन काउंटर में हम लोगों ने राइस के साथ पिकिंग डक भी लिया है, शार्क स्टिक भी रेडी हो रहा है, और हम लोगों ने अपना मेन कोर्स भी ले लिया। चिंगड़ी मलाई करी बुफे में रखना मतलब बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। और साथ ही यहाँ पे मटन कोशा तो है, बाकी चलो वो भी रेडी हो रहा है, आ जाएगा टेबल पे। एक बार इसका ग्रेवी के साथ ट्राई करता हूँ, पहले अच्छा लगेगा इसका, मीठा मीठा होता है। प्रॉन मलाई करी का जो ग्रेवी है ना वाकई में बहुत ही अच्छा, लेकिन ये क्या हो रहा है ना, बसंती पुलाव भी थोड़ा मीठा हो जा रहा है, ये भी मीठा हो जा रहा है, इसके साथ वो मटन कोसा ही सबसे अच्छा रहे। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। नरम है, बहुत नरम, बहुत। पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसा करते हो, कहीं भी ऐसे बूफे खाने अगर आप जाते हो ना, तो स्टार्टर्स वहाँ पे इतना खा लेते हो आप कि मेन कोर्स को देखने का मन तक नहीं करता, ये बात आप अग्री करो। लेकिन एब्सोल्यूट बारबेक्यू एक ऐसा जगह है ना, यहाँ पे मैं आकर स्टार्टर्स भी खाता हूँ, मेन कोर्स भी खाता हूँ, क्योंकि इनके पास मेन कोर्स में इतना अच्छा ऑप्शन है ना, एक तो ऑप्शन भी बहुत सारा है और टेस्ट सभी का बहुत ही अच्छा है। फिलहाल मैं अभी तक जितने भी जगह गया हूँ कवर करने के लिए एब्सोल्यूट बारबेक्यू को, मुझे हर जगह इनका टेस्ट काफी अच्छा लगा है। हालांकि ये मेरा आज का इन्विटेशन है, मैं खुद से पे करके भी जा सकता हूँ। आपको याद होगा पापा इधर जब फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम वो हम लोग खुद से पे करके गए, ऐसा नहीं है कि बस इनविटेशन है तभी मैं ऐसा तारीफ कर रहा हूँ। भाई आप आओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन का कोई कमी नहीं है और टेस्ट है। हाँ जी, तो जो हम लोगों ने मैक्सिकन काउंटर से मंगाया था ना साग स्टिक और साथ ही वो मिक्स करके सब, ये जो साग स्टिक है ना ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। थोड़ा बस चिकन चिकन जैसा लग रहा है और वैसा वो सी फूड का जो स्मेल होता है ना, वैसा स्मेल भी नहीं है भाई। यहाँ पे अभी तक तो हमारा मेन कोर्स वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है, और अभी हमारा नजर बाहर की तरफ गया। भाई बाहर देख लो कितना तेज बारिश हो रहा है, अंदर बैठ कर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई। अब पुराना दिन फिर से वापस, लेकिन बहुत गलत टाइम में अपने स्कूटी ले लिए, पूरा पानी लग लग के अब आज साफ करते हैं कल फिर से गंदा हो जाता है। हफ्ता में दो बार जो कितना गंदा लगने लगता है।
इतना सब कुछ खाने के बाद थोड़ा पेट को आराम देने के लिए फ्रूट्स, पेट भी थैंक यू बोलेगा हम लोग, थैंक यू। जेली फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, कैसा होता है नहीं मालूम। मिठाई का तो भैया दुनिया भर का ऑप्शन है, लेकिन सच बता रहा है पेट पूरा फुल हो गया। हम रसमलाई खाएंगे, 500 आइसक्रीम एक लेंगे। वो तो मेरा फेवरेट है, 500 आइसक्रीम भी बनवाना है वहाँ पे। भाई साहब हम लोग एकदम फुल हो चुके हैं पेट में, बस आइसक्रीम का ही थोड़ा बहुत जगह बचा हुआ है, इसलिए हम लोग ये 500 आइसक्रीम खा रहे हैं। और फिलहाल अभी बाहर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो देख लो ये इनका रेट है, किस दिन क्या प्राइस रहता है, लंच करो या फिर डिनर करो, कौन से बुफे का क्या प्राइस है, आपको सब यहाँ पे दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके देख लेना। हम लोग एबिस से बाहर आ गए हैं और बाहर देख लो भैया जम के बारिश हो रहा है। अब मेरा घर में पानी घुस गया है, मेरा मम्मी ने फोन किया था, पानी घुस गया मेरे लग रहा है। वही अब पानी वाला दिन वापस से, या इधर पानी उधर पानी, इधर पानी उधर पानी, कंप्लेन आता रहेगा अभी पूजा तक, दुर्गा पूजा बाद तक कंप्लेन आते रहेगा। अभी हम लोग के ब्लॉग में आपको यही दिखेगा, बारिश का पानी तो ये पानी तो वो पानी, भीग रहा है नहीं भीग रहा है। भाई साहब देख लो जैसे हम लोग बाहर निकले हैं अभी बारिश पूरे तरीके से रुक चुका है, रुक ही चुका है, बस थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और अभी देख लो हमारा होने वाला है टोटल 1000 किलोमीटर कम्प्लीट, 999 8 दिन। ये फाइनली हमारा 1000 किलोमीटर हो गया, इसी नाम पे पार्टी। अरे पार्टी तो हो गया, पार्टी तो एबिस दे दिया, पार्टी तो एबिस की तरफ से ही हो गया। अच्छा एबिस को पता था क्या हम लोग का 1000 किलोमीटर होने वाला है? अभी जस्ट मैं घर आया, थैंक गॉड हम लोग भीगे नहीं, आराम से घर पहुंच गए। यहाँ मम्मी अपना बिरयानी एंजॉय कर रही है, मेरा तो पेट भैया यहाँ तक, मतलब यहाँ तक भर चुका है, अब पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और एक चीज तो मैं बोलूंगा कि जब भी मैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू में जाता हूँ तो स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है कि हाँ मैं तो पहले गया ही हूँ, लेकिन इनके मैं जितने भी आउटलेट में जाता हूँ ना, हर बार कुछ ना कुछ मुझे नया दिखता है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगता है। तो फिलहाल अगर आपको भी जाना है तो आप जा सकते हो। तो चलो ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, ऑलरेडी काफी थक गया हूँ मैं। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।